Hello guys of class 6, myself Saurav Srivastava started going to teach you today Geography chapter 2, name is Maps, and today is the third part of this chapter, and I am going to start from this topic, important feature of maps. Maps के important feature आज हम discuss करेंगे कि maps को बनाने के लिए कौन कौन से feature का हम use करते हैं और उसकी जरूरत क्यों, क्या उसके बिना map को sketch करना या खींचना संभव नहीं है, possible नहीं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. Okay, तो start करते हैं. देखिए, एवरी मैप इज प्रोवाइडेड विद सम एड्स और टूल्स टू हेल्प यू रीड इट. ठीक है, हर एक मैप को देखने के लिए किसी स्पेशल जानकारी की जरूरत होती है, नॉलेज की जरूरत होती है, जिससे हम उस मैप को आसानी से रीड कर सकते हैं. ओके, देयर इज ए स्केल. यहाँ पे एक स्केल होता है. देखिए, पहला चीज जो मैप में हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है स्केल. ठीक है, स्केल ध्यान दीजिएगा. स्केल अ वर्टिकल लाइन मार्क्ड एन. ठीक है, आपको एक वर्टिकल लाइन दिखेगी और वर्टिकल लाइन जिसपे लिखा होगा क्या, मार्क्ड एन लिखा होगा. एन का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉर्थ से मतलब है. नॉर्थ का मतलब उत्तर दिशा. बात समझ में आ रही है. एट द टॉप एन कहाँ लिखा होगा, टॉप पे. जैसे मान लीजिए कि आपको ऐसे डायरेक्शन दे दिया गया, तो इसको हम लोग कहते हैं ईस्ट, दिस इज कॉल्ड वेस्ट, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ एंड दिस इज कॉल्ड साउथ. ओके, तो ऊपर वाले हिस्से को नॉर्थ कहते हैं, नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं, साउथ कहते हैं. ओके, दीज आर द सेंट्रल फीचर ऑफ द मैप. यू विल नो लर्न हाउ दे हेल्प यू टू रीड मैप्स. अब इसकी हेल्प से कैसे हम मैप को रीड करेंगे, ठीक है, तो इसे हम धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं. पहला टॉपिक स्केल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं. इफ यू लुक थ्रू योर एटलस, एटलस का मतलब अदर, अगर आप अपने मैप को देखते हैं, एटलस को देखते हैं, यू विल सी मैप्स ऑफ द कंट्रीज. आप कई सारी कंट्रीज पे दिखाई देगी, कॉन्टिनेंट दिखाई देंगे और हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया दिखाई देगी. दस वेरी लार्ज एरिया आर शोन ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर. मतलब एक छोटे से पेपर पे एक बहुत बड़े बड़े एरिया को आसानी से मैप के थ्रू, एटलस के थ्रू दिखाया जा सकता है. इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा ट्रिक यूज किया जाता होगा जिससे बड़ी से बड़ी चीज को छोटे में करके दिखा दिया गया, हर एक चीज क्लियर भी हो गया, हमको पता भी चल गया कि ये कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट, ये कंट्री है, ये कंट्री इसकी बॉर्डर यहां से होती है, ये नदी जा रही है, ये पहाड़ जा रहा है, सब कुछ. तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रिक्स यूज होती होंगी. ओके, इट इज डन बाय मेकिंग अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ पेपर रिप्रेजेंट लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. बड़े बड़े डिस्टेंस को दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए इस पूरे बोर्ड को, मान लीजिए एक एटलस है, तो पूरे बोर्ड को अगर हम दिखा रहे हैं तो पूरा बोर्ड मान लीजिए कि 100 किलोमीटर का है. मान लेते हैं कि पूरा बोर्ड कितने किलोमीटर का है, 100 किलोमीटर का. तो हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो है स्केल में, मैप पे जो 1 सेंटीमीटर है वो किसके इक्वल है, 100 किलोमीटर के इक्वल है. मतलब जहां भी 1 सेंटीमीटर खींचा होगा तो उसे हम कह सकते हैं कि वो 100, ठीक है, क्या है, 100 किलोमीटर का है. अगर आप इंडियन मैप को ध्यान देंगे तो इंडियन मैप में ऊपर से लेकर नीचे तक जो डिस्टेंस है वो है हमारा क्या, 2933 किलोमीटर. और अगर आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आएंगे तो यही डिस्टेंस क्या हो जाता है, 3214 यानी कि 3214 किलोमीटर. इसे चाहे तो आप याद रख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं. ओके, लेकिन याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, तो कहीं क्वेश्चन आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं तारीफ आपकी होगी. सो रिमेम्बर इट. ओके ओके, नाउ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द मैप इज, ओके मैंने बता दिया इसको, द स्केल ऑफ अ मैप इज जनरली शोन बाय अ ग्रेजुएटेड स्ट्रेट लाइन ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ. मतलब अगर आप मैप देखेंगे तो, मैप को ध्यान से देखेंगे तो मैप के नीचे ऐसे लाइंस खींची होंगी, ऐसे लाइंस खींचा होगा, इसके छोटे 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 ऐसे डिस्टेंस खींचे होंगे, ठीक ना. ये डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं. तो जो हमने अभी बताया कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 100 किलोमीटर के, तो मान लीजिए मैप की ये लाइन खींची हुई है तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 100 किलोमीटर को शो करता है. मतलब इसके बीच में जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया पड़ेगा किसी कंट्री का, वो उस कंट्री के 100 किलोमीटर के पार्ट को शो करेगा. ओके, उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो 100 किलोमीटर इंक्रीज होता जाएगा. मतलब छोटी लाइन से हम बड़ी डिस्टेंस को कवर करने की मैप या एटलस में कोशिश करते हैं. ओके, अब देखिए फाइंडिंग डिस्टेंस, कैसे हम डिस्टेंस को फाइंड करेंगे. यू कैन यूज द स्केल ऑफ मैप टू फाइंड अ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इट. जैसे मान लीजिए कि हमको फाइंड करना है कि यहां से यहां तक की दूरी आपकी 3214 किलोमीटर कैसे हो गए. तो इसको फाइंड करने के लिए, जैसे मान लीजिए कि इंडिया यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक आया है और इसके बीच में सपोज दैट कि 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 4 5 6 7 8
आठ आ गया, ठीक है। और एक के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं ये 100 किलोमीटर, 100 तो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, ठीक है। तो 100 इंटू क्या कर देंगे 9, तो ये आ जाएगा हमारा क्या 900 किलोमीटर। इट्स ओनली एग्जांपल टू नो दैट हाउ टू रीड द मैप एंड हाउ टू नो हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर कॉन्टिनेंट, हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम वन माउंटेन टू अनदर माउंटेन, हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन टू रिवर्स, बिटवीन टू कंट्रीज, इसको शो करने के लिए हम इसको लेंगे। मतलब बड़े बड़े डिस्टेंस को दिखाने के लिए मैप में छोटी छोटी डिस्टेंसेस का यूज किया जाता है। और ये सारी चीजें जो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर है, तो मान लीजिए कि ये आपका मैप है, तो मैप में जो है नीचे ऐसे बॉक्स बना के ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है कि इसमें बड़े बड़े जो डॉट्स हैं ये मान लीजिए कि प्लेट्यूज को शो करते हैं, यहाँ लिख दिया जाएगा प्लेट्यूज को शो करते हैं, ठीक है। अगर यही लाइन्स में थोड़ा ज्यादा गैप रहे तो यह कहा जा सकता है कि ये गल्फ को शो कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे ब्लू कलर का ये है, मान लीजिए ब्लू कलर का है तो किसको शो कर रहा है, तो मान लीजिए पॉन्ड को शो कर रहा है या ओशियन को शो कर रहा है। तो सिंबल्स के थ्रू मैप में चीजों को समझाने की कोशिश की जाती है। बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्केल एंड साइज ऑफ मैप मैंने आपको समझा दिया। अब डायरेक्शंस कैसे हम देखेंगे, तो डायरेक्शन को समझाने के लिए मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाता हूँ कि डायरेक्शंस हम कैसे बताएंगे कि हम किस डायरेक्शन में हैं। ओके, तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्शन आखिर हम कैसे जानेंगे कि हम किस डायरेक्शन में है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ऐसे दो क्रॉस खींच लीजिए, ओके, ठीक है। राइट साइड में ईस्ट होता है, ठीक ना, राइट साइड में ईस्ट होता है, लेफ्ट साइड में हमारा वेस्ट होता है, ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे हमारा क्या होता है साउथ होता है। बात समझ में आ रही है? जैसे आप न्यूज देखते हैं ना, NEWS न्यूज, तो न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। न्यूज का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ, मतलब चारों डायरेक्शन से आई हुई खबर को क्या कहा जाता है, न्यूज कहा जाता है। शायद बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे, तो नहीं जानते तो जान जाइए और जानते हैं तो फिर पचा जाइए। ओके, अब देखिए डायरेक्शन हमें पता करना, मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप यहाँ पे आपको दे दिया है, ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया में पता करना होगा कि हम किस डायरेक्शन में हैं, ठीक है। या अगर हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो हम किस डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ईस्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अगर मान लीजिए हम इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं तो हमसे पूछा जाएगा कि हम किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रहे हैं। जैसे मैंने इधर ऐसे चलना चालू किया, ठीक है, जैसे मैंने यहां से चलना चालू किया और यहां से चलते चलते मैं ऐसे गया, ओके, और जाते जाते मैंने देखा कि हम वेस्ट की तरफ खड़े थे, लेकिन जब पैदल चले तो हम किधर जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ। बात समझ गए? ओके, और अगर कोई बंदा यहाँ पे है, कोई पर्सन यहाँ पे, और वहां से वो नीचे आने की कोशिश करता है, तो हम कह सकते हैं कि नॉर्थ से वो चला और साउथ की तरफ आया, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि चार दिशाएं तो होती नहीं होंगी, आखिर हम यहां भी तो जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं, तो आखिर इसको कौन सा डायरेक्शन बोलेंगे। वेरी सिंपल, इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, ओके, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल ही टफ नहीं है, एंजॉय करके पढ़िए, बहुत मजा आने वाला है आज, ठीक है। ओके, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, अब देखिए मान लीजिए कि हम इस कॉर्नर पे खड़े हैं, तो इस कॉर्नर पे देख रहे हैं कि इस यहाँ पे ये चीज जो है, ये एरिया जो है, ये दो चीजों से मिलकर बना है, पहला ईस्ट एंड सेकेंड इज नॉर्थ, तो इसको हम कह सकते हैं क्या, इसको हम कह सकते हैं NE। आपसे पूछा जाएगा कि ये डायरेक्शन कौन सा है, तो आप कह सकते हैं ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। द नेम ऑफ दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब ये कौन सा है, तो वेरी सिंपल, हमने आपको बताया कि ये कौन सा है, तो पहले एन फिर डब्ल्यू, नॉर्थ वेस्ट। अब ये किन दो लाइनों से मिलकर बना है, तो डब्ल्यू एस, तो इसको साउथ वेस्ट कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, तो एस ई कह सकते हैं, यानी कि साउथ ईस्ट कह सकते हैं। तो डायरेक्शन कितने हुए टोटल, चार मेन डायरेक्शन और चार उसके उससे दोनों से मिलकर बना, तो इसमें कह सकते हैं कि टोटल डायरेक्शन कितनी होती है, 8 डायरेक्शन होती है, और इसका यूज हम लोग मैप में एज इट इज जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप करेंगे। ओके, आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, और इसमें कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं होगा, ठीक है। ओके, इट्स अ वेरी सिंपल टू नो दैट यू आर ट्रेवल इन विच डायरेक्शन। अब देखिए कन्वेंशनल सिंबल क्या होता है, या हम किसी प्लेस को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है।
ठीक है. सपोज योर फ्रेंड सेज दैट हिज हाउस इज 1 किलोमीटर फ्रॉम योर स्कूल. मान लीजिए कोई मित्र है आपका, फ्रेंड है, वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर से या मैं तुम्हारे स्कूल से 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हूँ. विथ जस्ट दिस इन्फॉर्मेशन यू कांट लोकेट हिज हाउस ऑन योर टाउन मैप. सिर्फ 1 किलोमीटर डिस्टेंस जान के आप उसके घर को नहीं ढूंढ सकते. क्लियर है? जैसे मैंने आपको बता दिया कि मेरा घर 10 किलोमीटर मार्टिन स्कूल के 10 किलोमीटर के बाहर पड़ता है, तो क्या सिर्फ 10 किलोमीटर डिस्टेंस जान के आप मेरा घर ढूंढ लेंगे? नहीं, आपको जगह की डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी. ठीक है, तो कन्वेंशनल सिंबल का मतलब होता है कि यू हैव लर्न दैट मैप्स शो वेरियस फीचर्स. मैप्स में अलग अलग तरह के फीचर होते हैं, इज इम्पॉसिबल टू शो. तो अगर हम सारे फीचर्स के बारे में नहीं जानेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि कौन सी चीज क्या इंडिकेट कर रही है. तो उस चीज को हमें जानना होगा. बुक में ये आपको बुक में ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सिंबल दिखाई दे रहे हैं. ये सिंबल आपको अच्छे से क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है. तो आप मैप देखेंगे तो आप बता सकते हैं कि ये बाउंड्री को शो कर रहा है. ठीक है, मतलब देखिए बाउंड्री को कौन शो करता है, ऐसे लंबी लाइन एक पॉइंट, लंबी लाइन एक पॉइंट, लंबी लाइन एक पॉइंट, लंबी लाइन, ऐसे करेंगे तो किसको शो कर रहा है, बाउंड्री को शो कर रहा है. स्टेट बाउंड्री को, बाउंड्री का मतलब ये इंटरनेशनल बॉर्डर को शो करता है, इंटरनेशनल बॉर्डर को शो करता है. ठीक है, ठीक. अगर यही लाइन छोटी हो जाती है और पॉइंट लाइन छोटी, पॉइंट लाइन छोटी, पॉइंट लाइन छोटी, पॉइंट लाइन छोटी, पॉइंट, तो ये स्टेट बॉर्डर को शो करता है, किसी कंट्री के स्टेट बॉर्डर को शो करता है. डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट के लिए सिर्फ छोटी छोटी लाइन होंगी, उसके बीच में पॉइंट्स नहीं होंगे. तो ये किसको शो कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले को शो कर रहा है. बात समझ रहे? तो मैप को देखना बहुत सिंपल है. ओके, अब देखिए रोड अगर आपको दिखाना हो, रोड का मतलब पक्के रोड. पक्के रोड का मतलब पक्के रोड हो, जो पिच वाली होती है, आरसीसी होती है ना, तो अगर रोड पक्का होगा तो डबल लाइन से उसको इंडिकेट किया होगा. ये किसको इंडिकेट कर रहा है, मेल्टेड रोड को, मेल्टेड पक्के रोड को ये इंडिकेट कर रहा है. अगर कार्ट ट्रैक है, कार्ट ट्रैक का मतलब अनमेल्टेड रोड है, अगर कच्चा रोड है तो ये डबल लाइन तो दिखाई जाएगी ऐसे, लेकिन डबल लाइन के बीच में क्या होगा, ऐसे आपको ब्लॉकेज दिखाई देंगे. मतलब रोड तो है लेकिन रोड कैसा है, कच्चा है, अनमेल्टेड है. ठीक है, कार ट्रैक का मतलब सामान ढोने वाला ट्रैक होगा, तो उसके लिए एक सिंगल लाइन का यूज किया होगा. तो सिंगल लाइन अगर हो तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्ट ट्रैक कहते हैं. ओके, अगर फुटपाथ पैदल चलने वाला होगा तो उसके लिए क्या यूज किया जाएगा, तो कार ट्रैक के लिए लाइन थोड़ी क्या होगी, मोटी होगी, और अगर पैदल चलने के लिए होगा तो लाइन थोड़ी क्या होगी, पतली होगी. इसको हम क्या कहते हैं, फुटपाथ कहते हैं. तो ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट के मैप में या गांव के मैप में ये सारी चीजें जो सिंबल्स हैं बड़े बड़े ये आपको दिखाई देंगे. ये दो, ये तीन जो है ये आपको इंडिया के मैप में दिखाई देंगे, मेल्टेड ये किसी डिस्ट्रिक्ट के मैप में और ये किसी गांव के मैप में या किसी लोकेलिटी के मैप में आपको दिखाई देगा. अगर मान लीजिए ब्लू कलर का साइन है और उसे टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो ये किसको शो करता है, रिवर को शो करता है. ठीक है, अगर मान लीजिए कैनाल है, कैनाल है तो ऐसे डैम जैसा ऐसे बना होगा, कैनाल, कैनाल के लिए यही ब्लू कलर का होगा, ये किसको शो कर रहा है, कैनाल को शो कर रहा है. ठीक है, अगर टैंक होगा तो ऐसे होगा, पूरा ब्लू कलर भरा होगा, ये किसको शो कर रहा है, टैंक को शो कर रहा है. ओके, सेटलमेंट का मतलब किसी लोकेलिटी में लोग रहते होंगे तो ऐसे छोटे छोटे घर टाइप के ब्लॉकेज बनाए गए होंगे जिससे पता चलेगा क्या कि यहाँ पे लोग रहते हैं. पोस्ट ऑफिस होगा तो वहां पे पीओ लिखा होगा. ठीक है, अगर टेलीफोन ऑफिस होगा तो वहां पे टीओ लिखा होगा. ठीक है, बात समझ रहे हैं. ब्रिज होगा तो ब्रिज के लिए सिंबल ऐसा होता है, ऐसा. ठीक है ना, ये ब्रिज का सिंबल है मैप में. तो इन सारी चीजों को अगर हम जान जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैप को कैसे आसानी से देखा जा सकता है. तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. और आज ये चैप्टर फिनिश हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे. अब इसमें कुछ भी बाकी नहीं रह गया है. ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर को आप, जैसा कि पीछे सारा क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन आंसर को आप कंप्लीट कर लेंगे. आज ये चैप्टर क्या हुआ, खत्म हुआ. थैंक यू सो मच.